देखिए आज पूरा दिन यही चर्चा रही कि अस्पताल पर रॉकेट किसने मारा। अच्छा आप लोग तय करिए, मैं एक आपको सिचुएशन देता हूं, आप लोग तय करिए कि बाइडन के इजराइल दौरे से पहले, मतलब बाइडन के आने से ठीक पहले, इजराइल अस्पताल पर बम मारकर 500 लोगों का नरसंहार करेगा। गाजा के अस्पताल में बम मारकर 500 लोगों का नरसंहार कर देगा, या बाइडन के इजराइल दौरे से पहले गाजा के आतंकी ऐसा करेंगे, आपको क्या लगता है? मतलब इन्हीं दो सवालों में आज की खबर का पूरा निचोड़ है और पूरा जवाब है। वैसे अब तो बाइडन ने भी कह दिया है कि अस्पताल पर बम इजराइल ने नहीं मारा, लेकिन आज आपको गाजा के नौ सीखिए आतंकवादी रॉकेटबाजों के बारे में बताएंगे, जिनके एक गलती या कहें जानकर किए गए फिलिस्तीनियों की जान चली गई। गाजा के आतंकियों ने ली 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान। लेकिन हमने देखिए पहले भी कहा था, ना इस्लाम ना कुरान बच्चों और औरतों को मारने की इजाजत नहीं देता, कोई भी धर्म नहीं देता है। लेकिन अगर सबूतों को सही मायने ना, तो इस्लामिक जिहाद ने, एक एक शब्द को सुनिएगा, तो इस्लामिक जिहाद ने ही गाजा में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले ली, जिनमें से छोटे छोटे मासूम बच्चे, दुधमुंह बच्चे, अपनी माओं की छाती से लगे बच्चे, मतलब जिन्हें इस बात का इल्म तक नहीं रहा होगा कि भाई बड़े आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों उनके आंगन में रोज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, क्यों उनके घर खंडर बनते जा रहे हैं। 500 लोगों को मार डाला हत्यारा हमास या गाजा के आतंकवादी। अब गाजा के एक अस्पताल पर हमला हुआ था, ये गाजा के अस्पताल पर अटैक था या ये रॉकेट मिसफायर हो गया? एक बात तो समझ में आ गई है, जो बच्चों की आड़ लेकर जिहाद कर रहे हैं वो हैं असल में सबसे बड़े कायर। मैं क्यों कह रहा हूं समझाता हूं। क्या हुआ कल रात, ये देखिए ऊपर लाल लाल देख रहे हैं जो आप, एंड सर्कल क्या हुआ है, एक रॉकेट आकर गिरा अस्पताल के ऊपर। रॉकेट गिरते ही अस्पताल में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, सब तरफ आग लग गई, लोग इधर से उधर भागने लगे। इस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा था, ज्यादातर बच्चे और उनकी माएं वहां पर मौजूद थी, लेकिन देखते ही देखते लोगों की जान बचाने वाला अस्पताल ही शमशान घाट बन गया। सोचिए अस्पताल में मासूमों का इलाज चल रहा है, वहां रॉकेट मिसफायर हो जाता है गलती से, 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। गाजा से इसराइल पर हमले कर रहे आतंकवादी संगठन हमास ने आरोप लगा दिया कि ये तो इसराइल ने किया है, इसराइल ने इस अस्पताल पर बम मारा है, एयर स्ट्राइक किया। लेकिन अब वो तमाम सबूत सामने आ रहे हैं जो साबित करते हैं कि ये कायराना हरकत, ये जो आप देख रहे हैं, ये कायराना हरकत गाजा के आतंकवादियों ने ही की है। मैं क्या एक काम करूंगा, मैं ना एक एक करके आपको सारे सबूत दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो हमास ये दावा कर रहा है ना कि उसने अपने ही अस्पताल पर हमला नहीं किया, हमास कह रहा है या गाजा के आतंकवादी कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, ये कोई हमारा रॉकेट मिसफायर नहीं हो कि हमने रॉकेट मारा बीच में गिर गया हमारे अस्पताल पर, जो दावा कर रहा है, और ये इसराइल की हरकत है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जानना बहुत जरूरी है। जो मिसफायर, ये वो हमास है जो किंडरगार्टन जैसे छोटे, यानी कि छोटे बच्चों के स्कूलों में रॉकेट लॉन्चर्स को छिपा कर रखता है, ठीक, मस्जिदों में अपने हथियार जमा करके रखता है और आतंकवादियों को छिपने के लिए अस्पतालों में भेज देता है। अब जो हमास बच्चों के स्कूल, मस्जिदों, अस्पतालों की आड़ लेता है, छोटे छोटे मासूमों की आड़ लेता है, उसकी बात पर भला कोई यकीन क्यों करेगा, और आतंकवादियों की बात पर क्यों यकीन करना? हमास ने मारा होगा या गाजा के आतंकवादियों ने मारा होगा। और दूसरी बात, जो सबूत अभी तक सामने आए हैं ना, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि अस्पताल पर यह हमला इसराइल ने नहीं किया, बल्कि गाजा से ही आतंकवादियों द्वारा लॉन्च किया गया एक रॉकेट इस अस्पताल पर आकर गिर गया। कैसे, वो मैं आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। तस्वीरें इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि इसराइल की सेना और वहां की मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं। पहली तस्वीर एक एक करके ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैमरे को हम जूम करेंगे।
के जो दो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एरो को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और जूम, ये एरो ध्यान रखिएगा और एक ये एरो। ये जो तस्वीर है ये इसराइल के चैनल 12 न्यूज की है। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें, ये तस्वीर इसी चैनल के कैमरे में रिकॉर्ड हुई जिसे इसराइल के नेटिवोट शहर में लगाया गया था। कैमरा जो लगा था नेटिवोट शहर में, जहां से ये पूरी, ये जो देख रहे हैं आप, पूरी गाजा पट्टी दिखाई दे रही है, पूरी गाजा पट्टी है। इस तारीख जो है वो देखिए ऊपर आप, 17 अक्टूबर 6:59 7 बजे के आसपास, 17 अक्टूबर 2023 समय शाम 6:59। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखिए, ये एक बार तारीख आप देख लीजिए, ये ऊपर की 1859। ठीक, अब आ जाइए दोबारा से इस पर, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो लॉन्चिंग साइट, ये देखिए वो लॉन्चिंग साइट है जहां से रॉकेट निकल रहे हैं, ये वो लॉन्चिंग साइट, ये लॉन्चिंग साइट है और ये वो अस्पताल है। मतलब आतंकवादी इसराइल की दिशा की तरफ यहां से रॉकेट छोड़ रहे हैं और उससे कुछ ही दूरी पर ये लॉन्चिंग साइट और ये जो है वो अस्पताल, यहां पर जबरदस्त ये सारे रॉकेट छोड़े जा रहे हैं इसराइल की तरफ और यहां पर ब्लास्ट हुआ। ये देखिए ये ब्लास्ट हुआ, यहां पर रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, सारे रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, ये लॉन्चिंग साइट और यहां एक दिन आप देखेंगे ब्लास्ट, ये धमाका हो रहा है वो, ये अल एली अरब अस्पताल ही है। अब अगर इसराइल ने अटैक किया होता तो रॉकेट दूसरी दिशा से आता। अब आप खुद सोचिए, इसराइल यहां है, रॉकेट यहां से आया, अब अगर इसराइल ने हमला किया होता तो यहां से रॉकेट आता, रॉकेट आया इस दिशा से, ठीक, लेकिन वीडियो बताता है कि रॉकेट गाजा के अंदर से ही छोड़ा गया था और वो कुछ देर हवा में सफर करने के बाद गाजा के अंदर ही इस किसी इमारत पर गिर गया। फिर उस इमारत में जोरदार धमाका हुआ, इसमें अस्पताल, ये इमारत वो अस्पताल है जहां 500 लोगों के जिंदा दफन हो जाने की खबर आ गई। अब वो क्लिप देखिए जिसमें इसराइल के न्यूज चैनल 12 की एंकर खुद बता रही है कि ये घटना उनकी कैमरे में कवर कैसे रिकॉर्ड हुई, वो सुनाते हैं। Claims that it was actually missiles from the Gaza Strip shot into the direction of the El Ahli hospital in Gaza City and not from Israel. This is Channel 12's camera. It is a camera situated in the city of Netivot and its view is of the Gaza Strip. You see the time stamp on this. It's 6:59 and this is when it happens. We can press play on the tape and you can see very clearly. Again, this is Channel 12's camera. You can see the rockets. This is the left red stamp fired over the hospital, which is the right, and you can see the blast. So that is proof of the fact that it came from the Gaza Strip, cameras, Channel 12's cameras. The President of the United States has already said it appears it was done by the other team, meaning he also realizes that it was shooting from inside Gaza over the hospital. देखिए अब कोई डाउट नहीं रह गया, ये गाजा के आतंकवादियों ने 500 फिलिस्तीनियों को बीच में गिर गया। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं आपको। इसराइल की सेना का भी कहना है कि कम से कम दो वीडियो ऐसे जो इस बात की पुष्टि करते हैं, दो वीडियो की अस्पताल पर छोड़ी गई मिसाइल गाजा के अंदर से ही दागी गई थी। इसराइल की सेना ने हमास के दो आतंकवादियों की बातचीत को भी इंटरसेप्ट कर लिया। बातचीत अस्पताल के कंपाउंड में मिसाइल गिरने के बाद की है, जिसमें ये दोनों आतंकवादी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ये मिसाइल हमास की है। ये वही मिसाइल है जो इस्लामिक जिहाद नाम के एक आतंकवादी संगठन ने गाजा से इसराइल की तरफ छोड़ी थी। और ये दोनों ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि इसराइल गिरने की जगह से जो शार्पनल मिले ना, यानी कि रॉकेट या मिसाइल में लगे धातु के जो टुकड़े मिले, वो गाजा में ही बनाए जाते हैं। सुनिए आप हमास के इन दोनों आतंकवादियों का ये ऑडियो। بقول لك اول مره بنشوف الصاروخ زي هيك بقول لك هذا الصواريخ الجهاد الاسلامي هاي الصواريخ هم بقول لك عون الجهاد الاسلامي شكله من عين بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا نعم
هذول الفريق من المقدرة الوردي بثلاث حط محط فيهم. ايش ايش دار بتلاقيهم طالعين من المقبره اللي ورا المستشفى المعمداني دي باللي هو فسه ونزل عندهم. ها المعمداني ولك عند الساحه بالضبط اول ما تدخل على الساحه تدخلش على البلد عيدك المستشفى المعمداني. अच्छा एक और वीडियो, ये तो सबसे बड़ा सबूत है, आतंकवादी कह रहे हैं कि ये तो हमारा हमारी मिसाइल थी और ये जो है मारी गई थी इसराइल की तरफ बीच में जो है ये. अच्छा ये एक और वीडियो ये देखिएगा, ये इसराइल डिफेंस फोर्सेस IDF की तरफ से जारी किया गया, कैसे गाजा में हमास के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ रहे आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद का छोड़ा हुआ रॉकेट मिस फायर हो जाता है. ये वो अस्पताल जहां पर ब्लास्ट हुआ गाजा में अस्पताल के ऊपर गिर जाता है. इसमें भी साफ ये देखिए, ये वो रॉकेट छोड़ा गया था और ये मिस फायर हुआ, ये यहां पर पहुंचा, ये देखिए ये इसराइल की सेना का दावा है कि भाई गाजा से आतंकवादियों द्वारा छोड़े गए रॉकेट्स में से क्या होता है 30-40% अक्सर फेल हो जाते हैं. 30-40% अक्सर फेल हो जाते हैं. नौ सिखे बमबाज है आतंक, पहले भी फेल हुए रॉकेट गाजा के कई इलाकों की जान ले चुके हैं. तो मतलब क्लियर है गाजा के आतंकवादियों ने 500 फिलिस्तीनियों को जिंदा जला डाला. तो अब तक रॉकेट फिलिस्तीन के ही आतंकवादी, गाजा के आतंकवादी इस्लामिक जिहाद ने छोड़े थे, जो गाजा के ही एक अस्पताल पर गिर गया और इसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली. इसराइल के दौर पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा है कि अस्पताल पर यह हमला इसराइल ने नहीं किया है बल्कि यह दूसरी तरफ से हुआ है, लेकिन इस हमले के जिम्मेदार बताए जा रहे आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद का नाम इस्लामिक जिहाद ये बार बार जो आप सुन रहे होंगे ना, मतलब ये आपको भी लग रहा होगा कि यह कौन सा नया वाला आ गया है. मतलब हमने गाजा से इसराइल पर हमला करने वाले हमास का ही नाम सुना था, हमास, अब यह नया वाला है, इसका नाम है इस्लामिक जिहाद, यह भी आतंकवादी संगठन है. आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद की स्थापना 1981 में 1981 में इजिप्ट में पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों ने की थी. ठीक, इस आतंकवादी संगठन का मकसद गाजा, वेस्ट बैंक और इसराइल के कई इलाकों पर कब्जा करना है. इस्लामिक जिहाद फिलिस्तीन का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, कई आतंकवादी संगठन है वैसे वहां पर, यह दूसरा सबसे बड़ा है जिसे इसराइल, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है. ईरान पर इस्लामिक जिहाद को आर्थिक रूप से मदद देने के आरोप है और इसके आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का भी. ईरान इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन को हर साल करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद देता है. इस आतंकवादी संगठन में 8,000 से ज्यादा सक्रिय आतंकवादी है जो दुनिया कनेक्शन में इसराइल का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं. ये कोई हमास, ये अभी ये जो संगठन है ये फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं, इनको यहूदियों को खत्म करना है पृथ्वी से, इनकी लड़ाई इसराइल से है यहूदियों, कोई लड़ाई नहीं, ना ये कोई फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं. वैसे इसी कोशिश के तहत ये आतंकवादी संगठन भी अपने बड़े भाई हमास की तरह इसराइल पर रॉकेट और गोले छोड़ता रहता है. आज उसी एक रॉकेट ने फिलिस्तीन के 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली. मतलब मसला इतना ही नहीं है. अच्छा एक और चीज, मसला यह भी है कि जब इसराइल गाजा में आतंकवादियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करता है तो उसे गाजा के आम नागरिकों को पहले वार्निंग देनी पड़ती है. सुनिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये फैक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को. जो कह रहे हैं ना इसराइल ने रॉकेट मार दिया अस्पताल पर, नहीं भाई साहब, खबर है कि गाजा में आतंकवादियों के ठिकानों पर स्ट्राइक करता है तो उसे गाजा के आम नागरिक पर पहले वार्निंग देनी पड़ती. ये वार्निंग इसराइल देता है, इसराइल वार्निंग देता है, इसराइल के फाइटर प्लेन जहां स्ट्राइक की जानी है उसके ऊपर उड़कर पहले उस इलाके का जायजा लेते हैं, देखते हैं कि कहीं स्ट्राइक की वजह से आम लोगों की जान ना चली जाए. वहीं दूसरी तरफ हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी हो तो आतंकवादी है, कोई युद्ध के नियम थोड़ी ना मानते हैं. मतलब एक तरफ एक सरकार है, एक तरफ आतंकवादी है, सरकार तो फिर भी युद्ध के नियम मानेगी, आतंकवादी तो मानेंगे नहीं ना युद्ध के नियम. अपने ही लोगों को ये लोग क्या करते हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह आगे कर देते हैं, बच्चों को, महिलाओं को. कैसे, मैं आपको बताता हूं. हमने शुरुआत में ही आपको बताया था ना कि कैसे गाजा के आतंकवादी स्कूलों में रॉकेट लॉन्चर छिपाते हैं, स्कूल्स में
ये देखिए, स्कूलों में रॉकेट लॉन्चर ये लोग छिपाते हैं स्कूलों में, और मस्जिदों में ये लोग छिपाते हैं हथियार, ठीक, और अस्पताल में छिपाते हैं आतंकवादियों को, अस्पताल में आतंकवादियों को छिपाते हैं, मस्जिद में हथियार छिपाते हैं, और स्कूल जो किंडरगार्टन स्कूलों में ये लोग जो है मिसाइलें छुपाते हैं। इसका एक सबूत आपको दिखाते हैं इस तस्वीर में, आपको ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या होगा, ये सुरंग का रास्ता है, ये सुरंग जहां पर सारे आतंकवादी हैं, ठीक है, सारे आतंकवादी आए, और इसके पास ही आप देखेंगे स्कूल होगा। ये लोग क्या करते हैं, स्कूल के आसपास अपना टेरर बेस रखते हैं, तो कभी भी कभी हमला होगा तो ये कि स्कूल के आसपास है, स्कूल में आम लोग हैं, बच्चे, अस्पताल, स्कूलों और मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद के आसपास ये टेरर बेस अपना रखते हैं। मतलब ये जो तस्वीरें हैं किंडरगार्टन, यानी वो स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चे केजी में पढ़ते हैं, उसके बिल्कुल बगल में एक मस्जिद है, ये स्कूल है, बगल में इसके मस्जिद है जहां गाजा के आम लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस किंडरगार्टन से 29 मीटर और मस्जिद से जो दूरी है वो है 60 मीटर, बहुत पास। ये टेरर जो अपने बेस रखते हैं स्कूलों और मस्जिदों के पास रखते हैं, 29 मीटर 60 मीटर की दूरी पर एक सुरंग है। ये उन सैकड़ों सुरंगों में से एक है जहां हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी अक्सर छिप कर रहते हैं। अब अगर इजरायली सेना को इस सुरंग को टारगेट करना है तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ दूरी पर मौजूद बच्चों का स्कूल और ये पूरा टैक्टिकली किया जाता है, जानबूझकर ना बच्चों की मतलब ढाल बना ली जाती है, महिलाओं की ढाल बना ली जाती है। लेकिन आतंकवादी ऐसा नहीं सोच सकते, वो जानबूझकर घनी आबादी के बीच रहते हैं, स्कूल, मस्जिदों, अस्पतालों के पास अपनी सुरंगें बनाते हैं, इन सुरंगों से बाहर निकलते हैं, घनी आबादी के बीच से रॉकेट दागते हैं, फिर अपने बिल में जाकर ये सुरंग में जाकर छिप जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कि अगर इसराइल बदले की कार्रवाई करेगा तो उसमें आम लोगों की भी जान चली जाएगी, और फिर कहने को मिल जाएगा कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, फिर ये आतंकवादी विक्टिम कार्ड जेब से निकाल कर कहेंगे, ये आतंकवादी और इनके कई आतंकवादी प्रेमी की पूरी दुनिया में, कि देखा इसराइल कैसे गाजा के बेगुनाहों का नरसंहार कर रहा है। लेकिन अफसोस इस बार आतंकवादियों की चालाकी भारी पड़ गई और उनकी कायरता की वजह से गाजा के सैकड़ों मासूमों की जान को लगता है कि अस्पताल पर हमला इसराइल ने किया। लेकिन हमने शुरुआत में भी कहा कि सोचिए क्या इसराइल जो बाइडेन के दौरे से पहले एक अस्पताल पर मिसाइल गिराकर 500 लोगों की जान लेगा, आप खुद तय करिए। मतलब आप सोचिए, पहले से ही इसराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं, गाजा के आम लोगों की जान जाने की वजह से दुनिया के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि आतंकवादियों से लड़ाई में आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। ऐसे वक्त में बाइडेन के दौरे से ठीक पहले क्या इसराइल गाजा के अस्पताल पर हमला करके 500 मासूमों की जान लेगा, या फिर गाजा के आतंकवादी ऐसा करके दुनिया भर के देशों को इसराइल के खिलाफ अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेगा, दुनिया भर के मुसलमानों को एक होने की बड़ी वजह देगा। और दूसरी बात, जिन्हें हमास आतंकवादियों द्वारा मासूम बच्चों के सर कलम किए जाने के तो सबूत चाहिए थे, उन्हें गाजा के अस्पताल में नरसंहार के सबूत नहीं चाहिए कि यह हमास का रॉकेट मिसफायर था या इसराइल का अटैक था। फैसला सुना दिया, उसका फैसला हमले के चंद मिनटों में इन तमाम लोगों ने सुना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब क्या हो गया कि वहां पर हम जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, तमाम जो मानवाधिकार वाले लोग हैं ना, वो पहुंच गए। सवाल ये कि मानवाधिकार वाले ये हमास के इसराइल पर आतंकी हमले के वक्त कौन सी सुरंग में छिपे थे? क्या इसराइल पर हमास का आतंकी हमला मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं था? आज ये सारे सबूत ये करीब करीब साबित हो रहा है कि गाजा के आतंकवादियों ने किया था, इस्लामिक जिहाद ने किया था। हमास के रॉकेट ने अस्पताल को दहलाया। या अल्लाह। अस्पताल पर अटैक, हमास आतंकी का कबूलनामा। شكله من عين معاه بيحكوا ان الشظايا تبعت الصاروخ ان الشظايا محليه مش
आतंकी हमास किसी भी हद तक जाने को तैयार। पांच सौ बेगुनाहों के खून का जिम्मेदार है हमास। हमास इज लाइक आईसिस, आईसिस इज लाइक हमास। देयर आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री। द पीपल हु वांटनली रॉकेट आवर सिटीज एंड वांट टू कंडक्ट मैस किलिंग्स, एंड व्हेन दे कैन दे मर्डर चिल्ड्रन, टीनएजर्स, शूट देम इन द हेड। जिस हमास ने इजराइल में बच्चों महिलाओं का कत्लेआम किया है, बम बरसा दिए। गाजा के अस्पताल पर हमास के हमले का सबसे बड़ा ऑडियो सबूत सामने आ गया है, जिससे साबित हो गया है कि खूंखार हमास अपनी बात मनवाने के लिए फिलिस्तीनियों पर भी हमला कर सकता है। वो सबूत क्या है ये आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गाजा के अस्पताल को रॉकेट ने कैसे एक ही झटके में आग के शोले में बदल दिया वो देखिए। मध्य गाजा के अल अहली अस्पताल पर कल रात रॉकेट हमला हुआ। एक झटके में 500 लोगों की जान चली गई। खून से लथपथ गाजा पट्टी के अस्पताल में बचा सिर्फ मलबा और जली हुई लाशें। न मरीज बचे, न बच्चे और न ही डॉक्टर। अटैक के बाद अस्पताल में आग लग गई। भीड़ इधर उधर भागने लगी। अस्पताल के शीशे टूट गए। अस्पताल के हर कोने में शवों के टुकड़े फैल गए। गाजा के इस अस्पताल में 500 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हमास ने कहा कि इजराइल ने अस्पताल पर कहा कि हमास ने अपने ही लोगों की जान ले ली। इजराइल ने कहा है कि हमला हमास का ही एक फेल रॉकेट लॉन्च का नतीजा था, जिसे अस्पताल के पीछे एक कब्रिस्तान से दागा गया था। जा रहा है क्योंकि इजराइल ने आतंकियों की बातचीत का एक ऑडियो जारी किया है और दावा किया है कि हमास के दो आतंकियों ने माना है कि पर उनकी की जा है। بقول لك اول مره نشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الاسلامي هاي، فهم بقول تعاون الجهاد الاسلامي شكله من عين معاه، بيحكوا انه الشظايا تبعت الصاروخ انه شظايا محليه مش زي شظايا عاد هذول المتلين من المقدر الوردي بثلاث حط محطين ايش ايش دار इजराइल खुफिया एजेंसी के दावे में दम भी है, क्योंकि अगर आतंकियों का ये ऑडियो सही है तो साफ सुना जा सकता है कि आतंकी ने माना है कि मिसाइल के टुकड़े इजराइल के नहीं थे। يوم طلعين من المقبرة لورا المستشفى المعمداني دي باللي هو فسه ونزل عندهم قال مع مداني ولك عند الساحة بالضبط. أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. हमले के बाद इजराइल ने कई सबूत जारी किए हैं, जिससे हमले का शक गाजा में बैठे आतंकी संगठनों पर ही है। इजराइल ने एक ड्रोन फुटेज भी जारी की है, जो हमले के पहले और बाद के हालात बयां करता है। इस नक्शे पर इजराइल है, गाजा है, गाजा का वो इलाका है जहां अल अहली अस्पताल है और हमास का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। इस तस्वीर को दिखाकर इजराइल की सेना दावा कर रही है कि गाजा के अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा है वो इजराइल का रॉकेट नहीं है, बल्कि खुद हमास का दागा गया रॉकेट है, जो किसी तकनीकी खामी के चलते फेल हो गया और गाजा में ही बने एक अस्पताल के ऊपर जा गिरा। The parking lot. This is the parking lot. You can see the parking lot also now in this picture shown here. Okay? Aftermath. After the hit. There is no
structural damage to the building. The walls stand intact. There are no craters here. All of the above, which I said, no structural damage. The walls stay intact, no craters. These are the characterized that show that ammunition that hit the parking lot. Confirms that the rockets were fired close proximity to the hospital. In addition, there are two independent videos which show the failure of the rocket launch. इज़राइल के दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि गाजा में जो हुआ उसके पीछे और कोई नहीं, हमास ही जिम्मेदार है। बाइडेन ने कहा कि हमास ने बेरहमी से इज़राइल के लोगों का कत्ल किया है, वो आईएस से भी बदतर हैं। Israel, as they respond to these attacks, seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. इज़राइल के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जैसे ही तेल अवीव में लैंड हुए, चारों तरफ सायरन बजने लगा और ओलाफ शोल्ज को प्लेन से भागकर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी। बाद में जर्मनी के चांसलर को बंकर में शिफ्ट कराया गया। और एक बड़ी खबर